हेलो दोस्त, कैसे हो? दरख्त से नीचे उतरो, मुझे प्यार करो, कान के पीछे गुदगुदी करो। एक मिनट। कैसा बेवकूफ बनाया? ये मेरी नई इजाद है, ये मिनिएचर वॉइस एम्प्लीफिकेशन यूनिट है। मैं भी देखूं? बहुत गर्मी है, यानी कि बहुत गर्मी, मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होती। मेरे पास एक बेहतर तरीका है तुम सबको गर्मी से बचाने का। चले जाओ किसी सर्द मकाम पर। कौन से सर्द मकाम पर? बर्फीले हिमालय पर। मैं कल वही परवाज करूंगा, क्या तुम लोग मेरे साथ आना चाहोगे? लेकिन हाँ, वहाँ बेहद एहतियात बरतना, वहाँ खतरनाक येती बसते हैं। ये येती क्या होता है? तुम्हें येती नहीं मालूम? येती बेहद बड़े और वहशी होते हैं। तुम्हारे दादाजान मजाक कर रहे हैं, हकीकत में येती नहीं होते हैं बच्चों। ये कतई झूठ नहीं है, तुम लोग संभल के रहना, मुझे तो तुम येती की खुराक लगते हो। येती के मुतालिक जानकर तुम लोग डरे तो नहीं? तुम्हारे दादा जान मजाक कर रहे थे, तो क्या अब भी चलना चाहोगे? हाँ, हमें ले चलिए, ये वाकई हैरत अंगेज लग रहा है। और आखिरकार सालिम गर्मी की शिकायत करना बंद कर देगा। मुझे यकीन नहीं होता कितनी सर्दी है, मैं तो जम जाऊंगा। अब ये गर्मी की शिकायत नहीं करेगा। बहरहाल एक तरीका है यहाँ गर्म रहने का। वाकई? वो क्या? बर्फ के गोलों की लड़ाई। आई। सचमुच ये तो बहुत उम्दा तरीका है हरारत पाने का, है ना? माफ करना उबैद, मैंने तुम्हारी गर्माहट जाया कर दी। बच्चों, तुम्हारे लिए एक खबर है। यहाँ तो इस पर सवारी हो जाए। बेहतरीन, मजा आ गया। ख्याल रहे, ऐसी जगह जाना जहाँ तुम नजर में रहो, हेलमेट्स पहने रहना और जंगल से परहेज करना। हमें ये भी दिख जाए। नहीं, उम्मीद करने की ना दिखे। रुको दोस्तों, मुझे रुका नहीं जा रहा, अब मैं क्या करूं? उबैद रुको। उबैद, उबैद तुम ठीक तो हो ना? देखो इन्हें ब्रेक कहते हैं उबैद, इन्हें खींचो और तुम रुक जाओगे। काश तुम्हारी जुबान के लिए भी ब्रेक होता। तुम इसी के लायक हो। दिखाई दिया क्या? देखूं,
बर्फ से ढका हुआ नहीं, उन्हीं दरख्तों के करीब कोई हरकत कर रहा था, बहुत ही बड़ा और घने बालों वाला। मजाक अच्छा है ओबैद। मैं संजीदा हूँ, हर किस वहाँ कोई था और मेरे ख्याल से वो येती ही था। ओबैद, तुम जानते हो येती नहीं होते। होते हैं, सच में होते हैं। तुम्हारे दादा जान ने खुद ही कहा था। वो मजाक कर रहे थे। हाँ, लेकिन मैंने उसे देखा और उसने मुझे इशारा भी किया। तब तो एक ही तरीका बचा है, हम वहाँ खुद ही जाएं और अपनी आँखों से देख लें। तो चलो ओबैद, हम जाकर तुम्हारा पूरा असरार येती तलाश करें। नहीं, ये कतई अच्छा ख्याल नहीं है। यहाँ किसी का नामो निशान तक नहीं ओबैद। ओ अच्छा, फिर ये क्या है? अरे नहीं, देखा तुमने, मैंने कहा था ना, इसके लिए मंत्र की वजाहत जरूर होनी चाहिए। सबूत ही तो है, वो एक येती है। हेलो नैनो। हेलो मंसूर। तुम्हारे ख्याल से ये कदमों के निशान किसके हैं? पता लगाता हूँ, हो गया, इसकी नस्ल अनजानी है। तो क्या ये सच है कि वो एक येती हो सकता है? नामुमकिन, येती अफसाने हैं, वो हकीकत नहीं है। मैंने कहा था ना, तस्वीरी सबूत जरूरी है। ठीक है, शुक्रिया नैनो, बेहतर है अंदर आ जाओ, नहीं तो ठंड लग जाएगी। जैसा तुम कहो। तो येती की तस्वीर खींचनी होगी उसके वजूद को साबित करने के लिए। मुझे नहीं लगता ये अच्छा ख्याल है, ये खतरनाक हो सकता है। लेकिन तुम्हारे ख्याल से तो वो असल में है ही नहीं, तब वो खतरनाक कैसे हुए बोलो? चलो इन कदमों के निशानों का पीछा करें। लेकिन ये तो जंगल की जानिब जा रहे हैं। चलो, ये एक अहम दरियाफ्त हो सकती है, चलो। मेरे लिए रुको। देखा तुमने, अब मुझ पर यकीन हुआ? ठीक है, कुछ तस्वीरी सबूत हासिल करते हैं। तस्वीर साफ नहीं आई, हमें थोड़ा करीब जाना होगा। आखिरकार वो कर क्या रहा है? शायद कसरत कर रहा है, थोड़ा मोटा है। जल्दी बच्चों, कैसे हो तुम तीनों? बेवकूफ बन गए ना? दादा जान? मैंने तुम्हारी वो आवाज बदलने वाली इजाद इस्तेमाल कर ली, मैं भी कुछ शरारत करना चाहता था। मैं तो जानता था कि ये सिर्फ एक लिबास है। सच में बहुत खुशी हुई कि आप ही है दादा जान। असल में कुछ लम्हों के लिए तो मैं ये मान बैठा था कि ये थी हकीकत में होते हैं। घबराओ नहीं ओबैद, येती जैसा कुछ नहीं होता। सच में? फिर वो क्या है? जान बचाकर भागो। रुको। Oh!
बेहतरीन अदाकारी दोस्तों। हाँ? इल्म ही नहीं था और किसी ने मुझे बताया ही नहीं कि ये सब फिल्म का हिस्सा बनने जा रहे हैं। कोई बात नहीं, सब अच्छा हुआ, हमने सारा दिन शूट किया। बर्फ का ये गोला बड़ा ही प्यारा था। आपका शुक्रिया, हमें भी खुशी हुई कि हम किसी फिल्म का हिस्सा बने। क्यों, सही कहा ना? ये गैर मुनासिब है, यति का लिबास पहनकर लोगों को डराना ठीक नहीं। क्या तकलीफ है उबैद? जादू बहुत डरावना है। लेकिन ये महज तमाशा है। क्या मैं इसे ये पहना दूं? मेरा आखिरी और अहम तिलिस्म पेश है, लड़का बना खरगोश। मुझे तीन लोग चाहिए, तुम और तुम। चलो बैठ। तुम मेरे साथ रहो। क्या आप दोनों इस संदूक की जांच करेंगे? तसल्ली कर ले कि ये पूरी तरह से खाली है। हाँ, ये बिल्कुल खाली है। शुक्रिया। अब आप तशरीफ ले जाएं और इस पर नजर रखें। तुम इस संदूक में दाखिल होकर बैठ जाओ। अब्राखडब्रा। बहुत खूब, बेहतरीन। हाँ, तुम क्या खूब गायब हुए। मैं तो बस नीचे गिरा, लेकिन आपको देखकर हैरानी हुई दादा जान। मैं अक्सर मदरसे की मदद करता रहता हूँ। इसके अलावा जाफर मेरा पुराना दोस्त है। मुझे ऊपर जाना है। आपको इसमें कोई तकलीफ तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। हाँ, और अब मैं संदूक और खरगोश दोनों गायब करूँगा। बेहतर होगा तुम पीछे हट जाओ। अरे ये क्या कर दिया तुमने, उसे पकड़ो पकड़ो। मंसूर कहाँ गया? हमारे इंतजार में होगा, शायद एंट्रेंस पर। पकड़ लिया। खैरियत तो है मेरे दोस्त? हाँ, खैरियत तो है। ओह फ्लॉफ्सी, तुमने इन्हें तंग तो नहीं किया ना? जाने से पहले ये जगह साफ करनी होगी। अरे तुम इसकी परवाह मत करो, मैं और मंसूर सब ठीक कर देंगे, तुम जाओ। मदद के लिए आपका शुक्रिया। आप दोनों से मिलके अच्छा लगा, आपके बिना ये मुश्किल था। हम फिर मिलेंगे साकिर। किसी ने मंसूर को देखा?
हेलो शम्मा। हेलो दोस्तों, मंसूर कहाँ है? पता नहीं, जब से जादूगर ने उसे खरगोश में तब्दील किया है वो। हो सकता है वो फिर उसे लड़का बनाना भूल गया हो। खैर मुझे जाना है, एक जरूरी काम है, फिर मिलेंगे। ओ, सलीम, मुझे लगता है मंसूर हकीकत में खरगोश बन गया है। मुझे नहीं लगता उबैद कि जादूगर ने असल में मंसूर को वो देखो। बेहतरीन तमाशा था। याद है जब मैं शैतान जादूगर बना था और तुम भूतिया मातहत? अब तुम्हें यकीन हुआ सालिम? देखा, जादूगर और उसका मातहत अपनी कारिस्तानी पर खुश हो रहे हैं। देखो वो रहा मंसूर। क्या, कहाँ? वहाँ उस छोटे पिंजरे में। बचपना मत करो, जादूगर उसे अगवा कर रहा है। उबैद भागो। ए, वापस आओ खरगोश, वापस करो। अरे कोई तो उसे पकड़ो। हाँ? तुम्हारे दोस्त मेरा खरगोश ले गए, अब मैं क्या करूं? क्या, नामुमकिन। उबैद और सलेम ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। यही हुआ है, मेरी मदद करो, मेरा खरगोश ढूंढने में मेरी मदद करो, उसे वापस लाना जरूरी है। जी हाँ, हम करेंगे। जाओ खरगोश लेकर आओ। क्या कर रहे हो उबैद? तुम्हें पक्का यकीन है ना कि ये मंसूर ही है? हाँ, ये मंसूर है। इसकी शक्ल देखो, देखो। उन दोनों के फोन बंद है शायद, नैनो की मदद ले सकते हैं। हेलो मंसूर। हेलो नैनो, क्या तुम उबैद और सलेम के घर के ऊपर प्रवास कर सकते हो? मुझे उनकी जरूरत है। यकीनन। नैनो मेरा एक असिस्टेंट है, एक रोबोट जो परवास करता है, मेरी इजाद है। उड़ने वाला रोबोट? लेकिन लोग तो मुझे होशियार जादूगर कहते हैं, पर तुमने अपनी अकल से परवाजी रोबोट बना दिया। उबैद, हमें इसे मदर से ले जाना चाहिए। नहीं, मैं इसे दोबारा लड़के में तब्दील करने की कोशिश करूँगा। क्या मंसूर? मंसूर, मंसूर, ये तब्दील क्यों नहीं हो रहा? हो गई तसल्ली? हमें जादूगर के पास जाकर अपना मंसूर मांगना होगा। मंसूर, सलेम घर पर नहीं है। शुक्रिया नैनो, अब उबैद का पता करोगे? क्यों नहीं। हेलो शम्मा, उबैद और सलेम को देखा? वो एक खरगोश उठा के ले गए हैं। क्या? ओह, अब याद आया, उन्होंने मदरसे से निकलते वक्त मैजिक ट्रिक के बारे में कहा था, और मैंने मजाक में कहा कि तुम हमेशा के लिए खरगोश में तब्दील हो गए हो। उबैद ने मेरा यकीन कर लिया होगा। नहीं, मुझे नहीं लगता उन्होंने यकीन किया होगा। उबैद हरगिज कर सकता है। मंसूर, वो उबैद के घर पर भी नहीं मिले। शुक्रिया नानो, अब तुम घर जा सकते हो। ए, सुनो। हेलो, तुम फ्लॉपसी ले आए? ये मंसूर है, ये बदल गया है। तुम हमें फिर से जाफर के पास ले चलो, हम उससे कहेंगे कि इसे दोबारा जादू से मंसूर बना दे। जाफर, हेलो, खेल खत्म हो गया। मुझे फ्लॉपसी के साथ दो लड़के मिले हैं, यानी मंसूर, मंसूर। उन्हें उसे फिर से लड़के में तब्दील कराना है। हाँ हाँ, ठीक है, मिलता हूँ। बढ़िया, जाफर मान गया। आओ तुम्हारे दोस्त के घर चलें। मैं भीख मांगता हूँ, इसे वापस मंसूर बना दीजिए। हम इसके बिना नहीं रह सकते, बराए मेहरबानी कर दीजिए।
कडाबरा कडाबरा। मंसूर तुम वापस आ गए। हेलो वेद, खरगोश बनकर कैसा लगा तुम्हें? हाँ मुझे मजा तो आया उबैद, लेकिन मैं लड़का ही रहना चाहूँगा। आपका आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमें खुशी हुई। अब मैं इसे आइसक्रीम बना रहा हूँ। नहीं बहुत हुआ, इसके पिघलने से पेशतर बदल दो इसे। अब्राकडाब्रा। फिक्र की कोई बात नहीं है उबैद, लेकिन मुख्तलिफ चीजों में तब्दील होने में बहुत मजा आता है। ये लो। आपको परेशान करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। नहीं हमें कोई परेशानी नहीं हुई। हाँ हाँ हमारी बेहद पसंदीदा कहानी रहेगी। उबैद देखो ये है मंसूर। हा हा हा, मजा नहीं आया। आओ आओ मंसूर, हम मदद करेंगे। आओ आओ ना मंसूर। आओ, 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 आओ। मंसूर अब पैर कैसा है दादा जान? पहले से थोड़ा ठीक है, लेकिन अब मैं शायद पहाड़ नहीं चढ़ पाऊंगा। मंसूर क्या तुम मेरा एक काम करोगे? इसे देखो, ये बहुत अहम काम है। बेटा तुम इस खत को डाक में डालो। मैं खुद चला जाता, लेकिन डाक घर यहाँ से बहुत दूर है। कोई बात नहीं दादा जान, अभी तो महज 12 बजे है, अभी बहुत वक्त है। जरा संभल के जाना। खुदा हाफिज। जरूर। मंसूर सुनो, सुनो मंसूर। कैसे हो तुम लोग? ठीक है। क्या चल रहा है? कुछ नहीं, मैं दादा जान का ये खत डाक में डालने के लिए जा रहा हूँ। ये काम बहुत जरूरी है दोस्तों। जरूरी? बहुत खूब, यानी तुम किसी मिशन पर हो। खत को डाक में डालने? ये तो बहुत खतरनाक हो सकता है। देखो हर काम में सनसनी हो, ये कतई जरूरी नहीं होता सालेम। पहुंच गए। तो मिशन तकरीबन पूरा हुआ। हाँ ये बंद क्यों है? अरे नहीं, अब हम क्या करेंगे? ओ, देखो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि नजदीकी डाकघर कस्बे में है, और मुझे ये पता है कि सेंट्रल पोस्ट ऑफिस 2 बजे बंद हो जाता है। क्या कहा, कस्बे में है? हमें चलना होगा, वो काफी दूर है और अभी 12:30 बजे। फिक्र ना करो, हम ठीक सिटी पार्क के बगल में है। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ, इनके मुताबिक दूसरा डाकघर पार्क की दूसरी तरफ है, बस हम पैदल चलकर वहाँ तक पहुँच जाएंगे। हो गया काम, चलो करते हैं। आखिर इस खत में क्या लिखा होगा? जानते हो, मुझे यकीन है तुम्हारे दादा जान खुफिया जासूस है। इस खत में जरूर खुफिया जानकारी होगी। वो जासूस नहीं है उबैद, उनकी उम्र 73 साल है। बिल्कुल, मगर वो ज़ईफ जासूस है, या फिर यूं कहें कि एक माहिर जासूस। हम वक्त पर हैं, डाकघर बंद होने में 1 घंटा बाकी है। हाँ
क्या तुम्हें नहीं लगता ये मिशन में तब्दील हो रहा है? हाँ, मतलब कौन सोच सकता है कि ये खत भेजना भी खतरनाक हो सकता है। हाँ। और... रुको, रुक जाओ। लगता है रेस हो रही है। अब हम उस पार कैसे जाएंगे? ओबैद, जरा ऐसे पकड़ो। कोई दूसरा रास्ता होना चाहिए। मैं जीपीएस की मदद से पता करता हूँ। उसके पीछे। बहुत खूब ओबैद। चलो चलो चलो। सुनिए, सुनो जरा, एक मिनट। मंसूर, क्या 114 नंबर? तुमने तो रनर का नंबर ले लिया, लेकिन वो खत नहीं। शुक्रिया, माफ कीजिए, इस रेस के लिए गुड लक। अभी भी 40 मिनट बाकी हैं। चलो चले। हमने कर दिया। आखिरकार अब हमें कोई नहीं रोक सकता। वाकई किसने सोचा होगा कि महज एक खत इतना परेशान कर सकता है। हाँ? अरे नहीं, ये सब हो क्या रहा है? चलो उस तरफ। जल्दी अंदर जाओ, जल्दी करो मंसूर। कोई दूसरा रास्ता जरूर होगा। दरवाजा पार करने का कोई जरिया नहीं है, मगर नैनो इस काम को अंजाम दे सकता है। बहुत सही उबैर। कैसे हो मंसूर? तुम्हारे लिए काम है नैनो, बस के पीछे से वो खत लेकर आओ। तामील के लिए तैयार। अभी नैनो की निशानदेही करता हूँ। इस जानिब। शायद हम ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि डाकघर तो 12 मिनट में बंद हो जाएगा। कभी ना उम्मीद मत हो। चलो
वो वहाँ एक सीगल है और उसके पास वही खत है। दोस्तों दोस्तों देखो हम कहाँ है। वो देखो डाकघर, लेकिन हमें थोड़ी देर हो गई। खैर हमने कोशिश तो की ही ना मंसूर। वो रहा खत। आदाब दादा जान। अरे आओ बच्चों, बहुत थक गए होगे। आ जाओ ठंडा नींबू शरबत पियोगे। मंसूर वो खत डाल दिया? जी भेज दिया दादा जान, मेरे दोस्त उबैद सलेम और नैनो की मदद से। वैसे तुम्हें ज्यादा परेशानी तो नहीं हुई? बिल्कुल भी नहीं दादा जान। अरे हाँ, मैंने तुम्हें महज एक खाली लिफाफा दे दिया था, मैं उसमें ये खत रखना भूल गया था, माफ करना। क्या, मुझे तो लगा वो हर हाल में कल तक वहाँ पहुँच जाना चाहिए। वो खत मैंने स्कैन करके ईमेल कर दिया, मुझे लगा ये तकनीक मेरे बहुत काम आएगी। वैसे ये है बहुत आसान। बच्चों ऐसा ही मिल जाए तो तुम दोनों पैरों में पहन सकते हो। दादा जान, बंदरगाह पर बेशुमार गंदगी जमा हो गई है। हाँ वो सफाई के लिए पैसे जमा कर रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत वक्त लगेगा। मिल गई। ये जरूर बहुत बड़ी होगी। इसका साइज 14 है उबैद। जैसे कोई असली मॉन्स्टर मिल गया हो उबैद। शर्मनाक, बुरी बात। अगली दफा उबैद। और मैंने सोचा था कि मैंने मॉन्स्टर पकड़ा है। वो बड़ा था, मॉन्स्टर नहीं था। अलघतीस के शैतान के बारे में सुना है? जब मैं जवान था तो मोती के लिए गोता लगाता, काम जरा मुश्किल था, मगर उसका इनाम बहुत जबरदस्त था। जब तक क्या? वो मॉन्स्टर नहीं आया था। ताड़ के दरख्त जितना बड़ा और बड़े पैने दांत थे उसके। एक दिन वो मुझे मिल गया। उफ, वो शदीद काली आंखें। बस बहुत हुआ मेरे दोस्त, इनके दिमाग में ये वाहियात अफसाने भरना बंद करो। ये महज अफसाना नहीं है, मैं साबित कर सकता हूँ कि वो हमारी मानिंद हकीकत में थे। अब तुम खुद ही देख लो, उसने मेरी आधी कश्ती चबा डाली है। ये अफसाना नहीं, वो अलघतीस के खजाने की हिफाजत करता है। दादा जान, क्या हम जा सकते हैं? हम कल चलेंगे, अल सुबह मुझे कश्ती के पास मिलो। ये! बच्चों क्या तुम तैयार हो? तैयार। वो मोती बेचकर जो पैसे मिलेंगे उसे बंदरगाह की सफाई में इस्तेमाल करेंगे। बच्चों वो देखो, हम अलघतीस चट्टान पहुंच गए हैं। तैयार हो जाओ दोस्तों। इन जालियों में
सीपों को जमा करना बड़े, क्योंकि छोटे सीपों में मोती नहीं होते, समझे? हाँ दादा जान। दादा जान, किसी ने ये बर्तन समंदर में फेंक दिया था। ये शुरुआत के लिए अच्छा है, मुझे यकीन है तुम इसका हत्था भी ढूंढ लोगे। चलो वापस चलते हैं। ये किसी काम के नहीं। मुझे ये केकड़ा मिला। या तुम उसे मिले हो बैग? दोस्तों, मुझे सीपों की चादर मिली है। यहाँ सैकड़ों नहीं बल्कि ज्यादा तादाद में मोती हैं। बहुत खूब, बढ़िया काम किया मंसूर, बेहतरीन। तुम्हें ये सब कैसे मिला? मुझे एक ऑक्टोपस मिला, मैंने उससे मदद ली। आओ दिखाऊं। तुम ठीक तो हो ना? तार के दरख्त जितना बड़ा था और उसके बेहद पहले दांत और शदीद काली आंखें। किसकी बात कर रहे हो? मॉन्स्टर दादा जान, वो महज अफसाना नहीं था, तुर्की को खाए जाता। लेकिन बेटा, समंदर में ऐसा कुछ भी नहीं है। और हाँ, पानी में चीजें बड़ी दिखाई देती हैं, शायद मोरे, ईल या कुछ और। आपके पीछे क्या है? अच्छा, ये तो बस एक मॉन्स्टर मॉन्स्टर है। दादा जान, आप ठीक हैं? बेटा मैं ठीक हूँ, हमें अब निकलना चाहिए। चलो तुम लंगर खींचो, मैं इंजन चालू करता हूँ। अरे नहीं, ये फंस गया। साले ओबेद, जरा हमारी मदद करो। नहीं हुआ, मैं देख के आता हूँ। मॉन्स्टर ने पकड़ा है, वो हमें रोकना चाहता है। हम उसे देख लेंगे, घबराओ मत। उसे डरा कर भगाते हैं। हमें उसे डरा कर भगाना होगा। बहुत अच्छा ख्याल है मंसूर। आवाज भारी करो। रुको बैठ, ऐसे नहीं, देखो। खामोश बच्चों,
देखते हैं शायद ये काम कर जाए। ओ, ये क्या है? ओ, मेरा मोती, मैं इसे भूल गया था। अरे वाह, ये तो बेहद खूबसूरत है। हम मॉन्स्टर का निवाला बनने से बच गए। ओ, एक मिनट, ये देखो, ये मोती, मंसूर, मंसूर, मोती को उसकी जाने फेंको। अबेद, ये बड़ा तो जरूर है, मगर उतना बड़ा नहीं है। हमें कोई बड़ी चीज चाहिए जिससे हम उसे डरा सके। नहीं नहीं नहीं, याद करो, क्या तुम्हें उस मछुआरे की बात याद है? ये यहाँ मोतियों की हिफाजत करता है। कहना क्या है उबैद? यानी मेरा मतलब है, शायद वो ये मोती लेना चाहता हो, क्या पता। लगता है उबैद सही है। उबैद, तुमने सही कहा। सालेम, लंगर, जल्दी मदद करो। हो गया। उसने लंगर छोड़ दिया। बहुत खूब, निकलते हैं यहाँ से। तुमने अच्छा सोचा उबैद। ओ शुक्रिया शुक्रिया, तुम्हें पता है चकली औरत दोनों में अच्छा हूँ। मैं आज के बाद मछुआरों के अफसाने सुना करूंगा। और अब हमारे पास भी दिलचस्प कहानी है दादा जान। खैर कोई बात नहीं, हमारे पास 5 सीप है और ये एक पुराना बर्तन है। ये बर्तन तुम्हें कहाँ मिला? ये जंग लगा बर्तन। बेहतरीन। बेहतरीन? ये बेहतरीन तो नहीं लगता। ये जंग लगी चीज एक बहुत ही पुराना पर्शियन नमूना है, तकरीबन 1000 साल पहले का। इस पर लिखी इबारत से जाहिर होता है बेहतरीन। 1000 साल पहले का? तकरीबन मेरी उम्र का। ये पर्शियन बर्तन बेहद कीमती है। जी हाँ बिल्कुल, बेहद खास। ये नमूना म्यूजियम के लिए बिल्कुल मुफीद है। हम इसे ले रहे हैं और आपको इनाम मिलेगा। हो, क्या कहा, इनाम? बिल्कुल, हम तुम्हें इनाम दिए बिना कैसे जा सकते हैं? बताओ तुम सब वाकई इसके हकदार हो। क्या बात है, खजाना मिल ही गया। अब हम बंदरगाह की सफाई में मदद कर सकते हैं। शुक्रिया, वर्कशॉप की सफाई में मेरी मदद करने के लिए तुम लोग आ गए। जिन चीजों की दरकार नहीं तुम लोग उन्हें बेच सकते हो, और बेच कर कमाए पैसों को तुम नेक कामों में खर्च करना, ये सवाब का काम है। हाँ, ये अच्छा ख्याल है दादा जान। वाह, ये तो बड़े ही सवाब का काम होगा। देखो कितनी गैर जरूरी चीजें भरी पड़ी है। तो क्या सब बेच दे? ला 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 ला। देखो तो मुझे क्या मिला। दादा जान, ओह
तुमने इसे ढूंढ निकाला। मुझे मालूम था ये यहीं कहीं होगा। वाह, ये तो बेहद खूबसूरत है, पर ये है क्या? ये एक कंपस है, मेरे एक पुराने दोस्त हसन का। हसन को मालूम था कि मुझे ये बहुत पसंद है, लिहाजा उसने मुझे इसे तोहफे के तौर पर दे दिया। ढूंढने के लिए शुक्रिया। बहुत खूब, हमें बेचने के लिए काफी कुछ मिल गया है। हाँ वाकई, मैंने सोचा भी नहीं था कि उस कबाड़ में इतनी सारी चीजें होंगी। मुझे हैरानी नहीं हो रही है कि दादा जान की कीमती सामान की इतनी अच्छी कीमत हमें मिल रही है, यकीनन ये अच्छी बात है। ओबे, क्या तुम हमारे लिए थोड़े और बक्से ले आओगे प्लीज? कीमती है, जाओ वो कंपास लेके आओ। हमें वापस करो, ये हमारा है। ये महज इसे ही क्यों ले गया मंसूर, ये तो तुम्हारे दादा जान का है। यकीनन वो हमें लाना ही होगा। दादा जान को खबर करके उस लुटेरे का पीछा करें। मैं यहीं रहूंगा और स्टॉल का ख्याल रखूंगा। नहीं नहीं, तुम हमारे साथ चलोगे उबैद। ये बताओ कि ये कंपास दीगर आशिया के साथ उस टेबल पर क्यों रखा हुआ था? आहा, मैं समझ गया। ये महज एक हादसा था, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, यकीन मानो हम उसे वापस ले आएंगे। नैनो, जाओ और उस लुटेरे को तलाश करो। लुटेरे का मकान मिल गया, मेरा पीछा करो। इस तरफ दादा जान, हमें उसका पीछा करना है, वो मिल गया है, जल्दी जल्दी। बेशक वो हमसे बच नहीं सकेगा। हमारा कंपास दे दो। वो तुम्हारा नहीं है, वो तुमने चुराया है। हाँ, वो तुम्हारा नहीं है। और इस तोते से बदबू आती है। देखिए दादा जान, वो कहीं जा रहा है। वो बचने ना पाए, हर कोई होशियार रहना। मैं तुम्हें बाद में चार्ज करूंगा। मैं यहीं रुक जाता हूँ, तुम्हारे दादा जान और बोट के पास, ठीक है? तुम हमारे साथ आ रहे हो। चलो। वो कहाँ गया होगा? नहीं, वो नजर नहीं आ रहा। देखो वो रहा, चलो। तुमको बचने न पाए। हमें कंपास लौटा दो।
बच गए हम। अब बताओ ये कैसी रही, मजा आया? क्या कर रहे हो? वो फरार हो रहा है, उसका पीछा करो। रुको, हमारा कंपास वापस कर दो। तुम हमारा कंपास नहीं ले जा सकते। रुको, वापस आओ। वापस आओ, चोर हो तुम, वापस आओ तुरंत अभी। चोर किसे कहा तुमने? हम तुम्हें गैराज सेल से कमाए हुए सारे पैसे दे देंगे अगर तुम हमारे दादा जान का कंपास वापस कर दोगे। रुपयों से हर वो बेशकीमती चीज नहीं खरीदी जा सकती जो दिल के करीब हो। आ जाओ। ये तुम्हें कहां से मिला? एक अनजान बच्चे के पास था, कह रहा था कि ये उसके दादा जान का है। ऐसा कहा? अगर ऐसी बात है तो हमें उससे मिलना होगा। क्या हुआ बच्चों, वो हासिल हुआ कि नहीं? मेरी गलती है, इनकी कोई गलती नहीं है। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। फिक्र ना करो उबैद, चीजें कीमती होती हैं, लेकिन दोस्ती ज्यादा कीमती होती है। ये देखो कौन आया। रुको, मैं इसे सबक सिखा के आता हूँ। बेहतर हुआ कि तुम खुद आ गए। इस बेजा हरकत के मायने क्या है? ये चाहिए तुम्हें? वापस दो, वो कंपास मेरा है। तुम्हारा कंपास? क्या तुम हसन हो? नहीं, हसन मेरा एक अजीज दोस्त था और ये तोहफा उसी ने दिया। बेहतर होगा ये लौटा दो। लो, मैं दूसरी मर्तबा अपने अजीज दोस्त को ये कंपास दे रहा हूँ। मशकूर ऐ मेरे दोस्त, ये कंपास मुझे तुम्हारी तरह ही अजीज है। लेकिन ये बुजुर्ग आखिर है कौन? ये वही है हसन, जिन्होंने इन्हें ये कंपास दिया था, समझे कम अक्ल? ओह, तो ये मामला है। शुक्र है कि ये मुझे दोबारा मिल गया, लेकिन उससे भी अहम बात ये है कि मैंने अपने अजीज दोस्त को पा लिया। और वो भी तुम्हारी गलती की वजह से उबैद। यानी गलती अच्छी रही। मंसूर, फिशिंग रॉड्स को भरोगे जरा? जो हुकुम कैप्टन। तुर्की, सालिम, रस्सियां लपेटो। जो हुकुम कैप्टन। उबैद कहाँ है? सब हम कर रहे हैं। जरा रुको। इसे देखो, क्या कमाल का सौदा है दोस्तों। एक पर एक मूंगफली मुफ्त है, क्या बात है। उबैद, हम महज मछली पकड़ने के लिए जा रहे हैं, हमें मछलियों को मूंगफली नहीं खिलानी है। ओह, पता नहीं ये कब काम आ जाए। ठीक है उबैद, बच्चों जाकर उसकी मदद करो।
तो स्टार बोट की जानिब 3 डिग्री सबसे बढ़िया जगह वही है ओपल समंदर में। ओपल समंदर? मैंने ये कभी नहीं सुना। ओपल समंदर, कई राज हैं इसमें। कहते हैं एक खोया हुआ जजीरा है जिसमें बेशुमार बहुत बड़े जानवर रहते हैं। ये महज एक अफसाना है ना दादा जान? हाँ, ये हकीकत नहीं है ना? हकीकत नहीं है? तुम्हें इस बात का यकीन कैसे है सालम? क्या आप पहले भी यहाँ पर आए हैं? मैं उन्हें बिल्कुल भी तरजीह नहीं देता ओबैद। सालम सही है, ये मल्लाह की कहानी है, मगर ओपल समंदर बहुत बड़ी मछलियों से भरा है जो फिशिंग के लिए मुफीद हैं। चलो उन्हें पकड़ने के लिए तैयार? मछली पकड़ते हैं। बचना मछलियों, अब तुम्हारी खैर नहीं। बादल, ताजुब है, यकबयक ठंड बढ़ गई। बत्ती किसने बुझाई? रॉड्स अलग रखो, कोहरा छटने के बाद हम दोबारा शुरू करेंगे। तब तक मैं इस कोहरे से निकलने की पूरी कोशिश करता हूँ। दादा जान, कोई मुश्किल है? पता नहीं, कंपास देखो। अजीब है, लगता है कि रेडियो भी बंद हो गया। ये बात है, ये बिजली का तूफान है, कोहरे में ये हो सकता है। बादल बहुत नीचे उड़ते हैं और बिजली ने हमारी मशीनें बंद कर दी है। सही कहा। तुम फिक्र मत करो, हम यहाँ से बहुत ही जल्द निकल जाएंगे बच्चों। खैर, हम किनारे पे तो आ गए, इससे भी बुरा हो सकता था। सच में चट्टानों से बेहतर अब नुकसान का जायजा लेते हैं। ये मुड़ गया है, इसे दुरुस्त करना होगा। क्या हम कर पाएंगे? औजार तो हैं, मगर इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। तो तुम जाकर मछलियाँ पकड़ सकते हो, तब तक मैं इसे ठीक कर लेता हूँ। ख्याल कैसा है? अच्छा ख्याल है। इसे पकड़ो, मैं भी नीचे आता हूँ। मंसूर, देखते हैं, औजार तो पूरे हैं। मुझे भूख लगी है, कुछ पकड़ ले तो अच्छा होगा। फंस गई। मदद करो, शायद बहुत बड़ी है। देखो कितनी बड़ी है। दोस्तों, ये मुझसे संभल नहीं रही है। दोस्तों जरा संभाल के। दादा जान की कहानी जैसा। क्या? बड़े जानवरों का जजीरा, हम उस पर हैं। लेकिन ये तो महज किसी का अफसाना है ना दोस्तों? तो बस सही था, हमें छुप जाना चाहिए। दादा जान, वो देखिए। भागो। हटो पीछे। एकदम सीधे लगा, जल्दी एक और लाओ। धकेलो। अब हम महफूज हैं। शायद नहीं। ये जानवरों को आखिर यहाँ खिलाते क्या है? अब छोड़ो भी, वो हम नहीं है तो क्या करना है? हमें नीचे जाना होगा। ऐसा लगता है जैसे कि वो कीड़ा महज खुराक था। लगता है उसकी असली खुराक हम है, मुझे पता था। रुको,
मुझे लगता है ये दोस्ताना है। मंसूर होश में तो हो? आ जाओ, ये महफूज है, देखो। तुम मुझसे दूर रहो। दादा जान। मंसूर। शायद वो बड़ा वाला इस छोटे वाले का अब्बा है। हमें उसे रोकना होगा, ये कश्ती को तोड़ डालेगा। हाँ, मूंगफली। सुना है बंदर मूंगफली पसंद करते हैं। नीचे नीचे रखो। उस में हमारा काम बन रहा है मंसूर। बच्चों रुक जाओ। बच के। समंदर। क्या इस जजीरे की हर चीज हमें खाना चाहती है? हमें छोटे की मदद करनी होगी, जल्दी मुझे फिशिंग रॉड दो। मंसूर ये फिशिंग का वक्त नहीं है। अब देखो मेरा निशाना, ये लो। देखो हमने मछली बेशक ना पकड़ी हो, मगर एक बड़ा परिंदा पकड़ लिया। बड़े से केकड़े के हमले से पहले हमें लौट चलना चाहिए। चलो चलते हैं, लेकिन जब तक हम इसे सीधा नहीं कर लेते हम जा नहीं सकते। मैंने अपनी हथौड़ी न जाने पीछे कहाँ खो दी। मैं इससे करके देखता हूँ। इससे काम नहीं बना, अब हम क्या करें? अरे वाह! वाह क्या बात है, चलो घर चलते हैं। जरा रुको उबैद, ये मूंगफली उठाओ। खुदा हाफिज। दादा जान ये कोहरा, हमें एक बार फिर इससे होकर गुजरना होगा। बिल्कुल। अपनी फिशिंग रॉड्स ले लो बच्चों, हम अपनी जगह वापस आ गए। यहाँ बहुत सारी मछलियाँ मिलेंगी, सब तैयार हो? सही कहा दादा।